दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। आप जल्दी आ गई सुपरवाइजर अर्पिता। अचानक अर्पिता के पीछे से एक आवाज आई। अर्पिता हैरान थी और वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने मुड़कर देखा, गीतांजलि बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। सच में किसी के पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। गीतांजलि उसकी तरफ बढ़ी और उसके कंधों पर हाथ रखकर चिंता जताते हुए बोली, क्या मैंने आपको डरा दिया? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप अपने ख्यालों में खोई थी और मैंने आपको आवाज दे दी। आप ठीक है ना? जैसे ही अर्पिता होश में आई, उसने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग मैनेजर गीतांजलि। गीतांजलि ने उसके कंधों पर से तभी हाथ हटाया जब उसे यकीन हो गया कि वो ठीक थी। फिर उसने अर्पिता के सामने एक बैग लहराया जिसमें नाश्ता रखा था। मुस्कुराते हुए गीतांजलि ने पूछा, वैसे आज आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आ गई? क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? वो बहुत ही अच्छे ढंग से बात कर रही थी। उसके बात करने के लहजे में बिल्कुल भी अकड़ नहीं थी। ज्यादातर लोगों को दिल से रोज दुआ करने पर भी ऐसा बॉस नहीं मिलेगा। मुझे भूख नहीं है। जैसे ही अर्पिता कुछ और कहने वाली थी, गीतांजलि ने उसकी बात अनसुनी करके उसकी तरफ देखा। वो बोली, अगर भूख नहीं है तब भी आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ओह, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सैंडविच है। गीतांजलि ने कहते कहते अपने बैग से सैंडविच निकाला और अर्पिता के डेस्क पर रख दिया। आप हमारे डिपार्टमेंट की काबिल एम्प्लॉई हैं। ऐसी बहुत सी चीजों में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, इसीलिए मेरे साथ इस तरह फॉर्मेलिटी मत कीजिए। अपनी बात खत्म करके गीतांजलि ने अर्पिता को मना करने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद गीतांजलि अर्पिता की तरफ मुस्कुराती हुई सीधे मैनेजर ऑफिस में चली गई। जैसे ही अर्पिता ने देखा कि वो चली गई, उसने अपना सर घुमाकर डेस्क पर रखे सैंडविच की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब भाव दिखाई दिए। फिर से उसके दिल में वही आभास हुआ, जिस तरह से गीतांजलि ने अभी अभी उसके साथ व्यवहार किया, वो एक अलग तरह का आभास था। गीतांजलि का व्यवहार हर किसी के साथ बहुत अच्छा था। वो इतनी अच्छी तरह से सबके साथ पेश आती थी कि उससे बात करते हुए किसी को भी ऐसा लगे कि उसके चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका आ रहा हो। यहाँ तक कि किसी अजनबी से भी बात करते हुए उसका रवैया बहुत सरल और सुंदर होता था। पहली बार मिलने से अब तक गीतांजलि ने अर्पिता के साथ कोई दुश्मनी नहीं पाली थी। गीतांजलि ही पहले थी जिसने उसके अचानक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आने पर अर्पिता को अपनाया था। इतना ही नहीं, गीतांजलि ने उस पर काफी इम्पोर्टेंट कामों के लिए भी भरोसा दिखाया था। अगर तरीके से देखा जाए तो उसे गीतांजलि पर शक नहीं करना चाहिए था। हालांकि अर्पिता को मन ही मन हमेशा लगता था कि गीतांजलि कुछ सही नहीं थी। ऐसा हो सकता था कि वो सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। जल्दी ही एक एक करके एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट में आने लगे। कोई अर्पिता के साथ मजाक करते हुए बोला, सुपरवाइजर अर्पिता, लगता है कल रात आप काफी अच्छे से सोई हैं, तभी आज इतनी जल्दी ऑफिस आ गई। ये सुनते ही अर्पिता के दिमाग में वो सब दोबारा छा गया जो वो बड़ी मुश्किल से भूली थी। संजय का चेहरा, जिस पर से उसकी नजर ही नहीं हट रही थी, और फिर उसका बेशर्मी से संजय के करीब जाने के लिए कहना, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। सुपरवाइजर अर्पिता, क्या हुआ, आपका चेहरा अचानक से इतना लाल क्यों हो गया? नहीं, कुछ नहीं, लगता है ऑफिस का हीटर बहुत तेज है, यहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा है, मैं खुली हवा लेने के लिए थोड़ा बाहर जाती हूँ। अर्पिता कहते हुए तेजी से वॉशरूम की तरफ चली गई। वो थोड़ी दूर गई ही थी तभी एक कलीग उसकी तरफ आया। सुपरवाइजर अर्पिता, मिस्टर जॉनसन के साथ कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो गया है, क्या अब मैं इसे डिजाइन डिपार्टमेंट में भेज सकता हूँ? अर्पिता चलते चलते रुक गई और उसने सर उठाकर देखा। जी हाँ, डिजाइन डिपार्टमेंट को आगे का काम करने दीजिए। हालांकि हमारा डिपार्टमेंट ही इसका पब्लिसिटी इंचार्ज रहेगा, तो हमें डिजाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ही काम करना होगा। हमें इस प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान देना होगा। जैसे ही अर्पिता ने अपनी बात पूरी की, उसने देखा कि सेक्रेटरी उसकी तरफ तेजी से भागती हुई आ रही। सुपरवाइजर अर्पिता, मुझे अभी डिजाइन डिपार्टमेंट से खबर मिली है, मिस्टर जॉनसन के स्टूडियो में कुछ परेशानी आ गई है। उन्होंने वादे के अनुसार अभी तक हमें ब्लूप्रिंट नहीं भेजा है। आपने क्या कहा? अर्पिता दंग रह गई। वो तुरंत मुड़ी और वापस अपनी सीट पर पहुंचकर उसने अपना फोन निकाला और मिस्टर जॉनसन को कॉल करने लगी। हालांकि फोन की घंटी जा रही थी पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। क्या डिजाइन डिपार्टमेंट के लोगों ने मिस्टर जॉनसन से बात की? अर्पिता ने फोन रखते हुए पूछा। मिस्टर जॉनसन एक ऐसे इंसान थे जिन्हें समय की बहुत कीमत थी।
और वो किसी भी काम की समय सीमा का भी बहुत ध्यान रखते थे। वो कभी भी बिना किसी कारण के डिजाइन की ब्लूप्रिंट देरी से नहीं भेजते। अर्पिता को डर था कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो। जी हाँ, हमारी बात हुई थी और उन्हें डिजाइन के ब्लूप्रिंट आज ही देने थे। हालांकि पता नहीं हमारी उनके साथ कल से कोई बात नहीं हो पा रही है। सेक्रेटरी थोड़ा रुकने के बाद फिर बोली, डिजाइन ड्राफ्ट भेजने का समय खत्म हो चुका है। आज भी जब मिस्टर जॉनसन से कोई संपर्क नहीं हो पाया तब डिजाइन डिपार्टमेंट वालों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हम कल से उनके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, अर्पिता ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। अभी सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं और दिन खत्म होने में काफी समय है। डिजाइन डिपार्टमेंट को इंतजार करने के लिए कहिए, मैं मिस्टर जॉनसन से संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, सेक्रेटरी कहती हुई तेजी से चली गई। अर्पिता वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। फिर उसने कहा, नेहा, मिस्टर जॉनसन और उनकी टीम की डिटेल में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मेरे लिए एक फाइल तैयार करो। अर्पिता के ऐसा पूछने पर नेहा ने कुछ पल सोचा और बोली, सुपरवाइजर अर्पिता, मिस्टर जॉनसन और उनकी टीम की इन्फॉर्मेशन पहले शिखावस्थी के पास थी। तो फिर शिखावस्थी ने कंपनी छोड़ने से पहले वो सब डॉक्यूमेंट किसके हवाले किए? नेहा ने फिर सोचा और मैनेजर के ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो जरूर मैनेजर गीतांजलि के पास होंगे। अर्पिता अपनी नजरें तीखी करती हुई आगे बढ़ी और उसने मैनेजर ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। वो फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जब गीतांजलि ने अर्पिता को देखा उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि उसने कुछ डॉक्यूमेंट की एक मोटी फाइल डेस्क पर रखी हुई थी। क्या आप यहाँ मिस्टर जॉनसन के प्रोजेक्ट के लिए आई हैं? गीतांजलि ने अर्पिता की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा। शिखा ने ये डॉक्यूमेंट कंपनी छोड़ते समय मुझे लौटा दिए थे। मुझे ये आपको काफी पहले ही दे देने चाहिए थे, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया। मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। अर्पिता ने डॉक्यूमेंट को देखा पर उन्हें उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उसने एकदम से एक सवाल पूछा, शिखावस्थी कहीं चली गई है और उसने अपना फोन भी बंद किया हुआ है, क्या आप ये जानती हैं मैनेजर गीतांजलि? क्या? गीतांजलि ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सब परेशानी के बीच में अर्पिता उससे ये सवाल पूछेगी। एक पल के लिए तो वो दंग ही रह गई। सिर्फ एक पल के लिए, वो तुरंत ही वापस होश में आ गई। उसने कुछ गलत किया था तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। मुझे उसकी उस हरकत से बहुत दुख पहुंचा और इसीलिए जब से वो कंपनी छोड़कर गई है मैंने उससे कोई बात नहीं की। वो चली क्यों गई? अर्पिता को नहीं पता था वो उसका क्या जवाब दे। गीतांजलि बहुत ही सहज तरह से बात करती हुई दिखाई दे रही थी, पर अर्पिता को पता था कि उसके बात करने में कुछ तो अलग था। मैंने कुछ लोगों को डिपार्टमेंट में बात करते हुए सुना था कि उनकी भी शिखावस्थी से कोई बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने ऐसे में ही पूछ लिया। मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अर्पिता ऐसा कहकर डॉक्यूमेंट्स उठाकर वहां से जाने लगी। तभी गीतांजलि अपनी सीट से खड़ी हो गई। वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर जॉनसन से बात नहीं हो पा रही है। मैंने अपनी इटली में रह रहे दोस्तों से कहा कि वो लोग इसके बारे में पता लगाएं कि वहां क्या हुआ है। अगर मुझे कोई खबर मिलती है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगी। थैंक यू मैनेजर गीतांजलि, अर्पिता कहते हुए बाहर चली गई। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ, गीतांजलि का चेहरा जो नकली मुस्कुराहट से भरा हुआ था अचानक गंभीर हो गया। कांच की दीवार के बाहर देखते हुए वो अर्पिता पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी, जो कि अभी अभी ऑफिस से बाहर निकली थी। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। जाओ और ढूंढो जितना तुम ढूंढ सकती हो। गीतांजलि के पास खबर आई थी कि मिस्टर जॉनसन की टीम को फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उनके ऑफिस में काफी उथल पुथल मच रही होगी। कोई भी अर्पिता को कुछ नहीं बता पाएगा। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड।